नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पुलिस जवानों की। सुनो सरकार, हल्की सी सर्दी होने पर हम लोग घर में हीटर या अलाव जलाकर राहत की सांस ले लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अटल टनल, जी हां, हम बात कर रहे हैं हिमाचल के अटल टनल की। अटल टनल रोहतांग की सुरक्षा में लगे पुलिस के जवान -20 डिग्री तापमान में ठंड से कांपने के लिए मजबूर हैं, लेकिन फिर भी वो मोर्चे पर डटे हुए हैं। ये वो इलाका है जहां सर्दियों में 10 से 15 फीट तक बर्फबारी होती है और जबरदस्त एवलॉन्च आते हैं। देखिए हमारे संवाददाता संदीप सिंह की ये पूरी रिपोर्ट। मनाली ले नेशनल हाईवे पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी मोटरेबल टनल इस ऑल्टीट्यूड पर बनी हुई है। इस टनल की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है और सर्दियों के दौरान यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो लगभग -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ऐसे कड़ाके की ठंड में जहाँ पुलिस बल जो है इस टनल को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा कौन करेगा उसकी रियलिटी जो है वो आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार यहाँ का नजारा जरूर दिखा दे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम लाहौल में हैं और लाहौल घाटी में बर्फबारी लगातार जारी है। ये एक ऐसा इलाका है जिसे शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में इस टनल का नॉर्थ पोर्टल खुलता है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, और टनल की अगर बात करेंगे तो नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल दोनों पर ही जो है दो रिजर्व को तैनात किया गया है। पुलिस बल यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहता है। जिस तरीके से इनका ड्रेसअप है उसको देखकर समझा जा सकता है कि इतनी सर्दी पर जो है वो तैनाती के लिए ये ड्रेस जो है वो सूटेबल नहीं है। इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं, सर 24 घंटे आप लोग तैनात रहते हैं? जी 24 घंटे शिफ्ट में लगते हैं ड्यूटी। तो कितनी ठंड होती है यहाँ पर? ठंड बहुत ज़्यादा है सर। तो ऐसे में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं? ये शूज़ कौन से, नॉर्मल शूज़ हैं? नॉर्मल ही है। नॉर्मल शूज़ है। रहने के लिए कहाँ है? रहने के लिए परे हमारे सिसु चौकी में है। इतनी दूर तक आना जाना पड़ता है, और खाने की व्यवस्था किस तरीके की है? खाने के लिए वहीं जाते हैं सिसु चौक जाते हैं। जी। एक समय में कितने पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात रहते हैं? यहाँ पे गार्ड ड्यूटी लगी हुई है, दो कांस्टेबल गार्ड में लगाए हुए हैं और बारी बारी शिफ्ट में आते हुए हैं, और नाका भी लगाया गया है। नाके में 3 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल लगाया जाता है। आप कड़ाके की सर्दी में भी ये ड्रेसअप में जो है वो यहाँ पर तैनाती करना थोड़ा मुश्किल है? मुश्किल है जनाब, कभी रात को लाइट भी चले जाती है तो करना पड़ता है सब कुछ, सुरक्षा करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ड्रेसअप जरूर दिखाए, जिस तरीके का ड्रेसअप इन्होंने पहना है ये नॉर्मल ड्रेस है। हालांकि विंटर्स में अगर आपकी ड्यूटी जब भी रहती है तो इस तरीके का ड्रेसअप नहीं, बल्कि और भी वाटरप्रूफ और -20 से -30 डिग्री तक की सेफ्टी के गियर्स इनके पास होने चाहिए। हालांकि ये गियर्स अभी इन्हें मुहैया नहीं करवाए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, इनके कैबिन की तरफ आपको मैं रियलिटी दिखा देता हूँ। ग्राउंड जीरो पर हम इस वक्त तैनात हैं। एक ऐसी टनल की सुरक्षा जो कि बेहद ज़रूरी है, जिसकी तैनाती बेहद कठिन परिस्थितियों में ये पुलिस बल यहाँ पर कर रहा है, लेकिन इनकी सुरक्षा इस कड़ाके की ठंड से कौन करेगा ये दिखाना बेहद ज़रूरी है। छोटा सा कैबिन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, और यहाँ पर इस वक्त मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार अंदर जरूर आएं। यहाँ पर देखें एक छोटा सा हीटर है, वो भी जुगाड़बाजी वाला हीटर यहाँ पर लगाया गया है। इस वक्त लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं सर। और अगर लाइट अगर चली जाए तो फिर कैसे इतनी ठंड से आप अपने आप को बचाते हैं? सर जनरेटर का भी है इस टाइम, लेकिन जनरेटर में पेट्रोल नहीं है तो कंपनी वालों से बात चली है। लेकिन आप लोग सुरक्षा फिर भी दे रहे हैं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी बहुत मुश्किल है। अब कर रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, हालांकि इनकी मजबूरी है ये बता नहीं सकते हैं कि किस तरीके से जो है किन परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में ये लोग यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसे में दो जिला को कनेक्ट करने के लिए ये टनल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके साउथ पोर्टल पर जिला कुल्लू आता है और इसके नॉर्थ पोर्टल वाली साइड पर जिला लाहौल स्पीति आता है। तो यानी दोनों ही जिला प्रशासन द्वारा इन लोगों को जो जिस तरीके के इक्विपमेंट मुहैया करवाने चाहिए थे वो ग्राउंड पर इस वक्त नहीं है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा सवाल खड़ा कर देती है कि जिस सामरिक दृष्टि से ये टनल बेहद महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा के लिए जो ये पुलिस बल तैनात किया गया है, इनकी सुरक्षा इस कड़ाके की ठंड से कैसे की जाएगी? मिशन कितनी खतरनाक हो जाती है? हमारे साथ इस वक्त एफकॉन कंपनी के जो हैं वो एक अधिकारी मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि 10 साल इन्होंने और इनकी टीम ने किन हालातों में इस टनल के निर्माण कार्य में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और ऐसे में
ये समझना बेहद जरूरी बन जाता है कि इस टनल के सुरक्षा में जो पुलिस बल तैनात किया गया है उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी जो है वो बेहद जरूरी बन जाती है। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की कंडीशंस है उससे जो है वो सामना आपकी टीम को हुआ है, कितनी इम्पोर्टेंस आप समझते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा जो है वो कैसे की जाती है। मेरा नाम श्रीकांत गुप्ता, मैं यहाँ पे एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमने पिछले 10 साल से जो काम किया है उसमें जो नवंबर टू मार्च अप्रैल तक का जो टेम्परेचर है बहुत ही माइनस में चला जाता है, जो कि -15 से 20 डिग्री तक हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारी कंपनी जब तक काम करती रही और अभी भी कर रही है, तो इसमें हमें प्रॉपर गियर्स में स्नो शूज़, हेलमेट्स, ग्लव्स, इन सब पीपीज का बहुत ध्यान रखा गया है कि ताकि इस हार्श और इस क्लाइमेटिक कंडीशन में आप काम कर सको और अपना पूरा एफर्ट्स दे सको। इसके लिए कंपनी ने सब जगह हमारी बिल्डिंग्स में, वर्कर अकोमोडेशन में पॉलोमेटिक सिस्टम लगाए हुए थे, जो सेंट्रलाइज्ड हीटिंग थे, बिजली हो या ना हो, चाहे बिजली के लिए हमारा पूरा एक अलग सेटअप था कि हमारा चाहे पीछे से एचपीएससी बोर्ड से कभी हार्श कंडीशन में कहीं डैमेज होते हैं पोल या कुछ होता है, बट उसके बाद हमारा पूरा एक डीजी सेट का पूरा एक पैनल्स मौजूद थे कि ऐसी कंडीशन में हमारा बिल्कुल भी यहाँ पे बिजली का प्रॉब्लम नहीं आया। आपको क्या लगता है कि अब आने वाले समय में जिस तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पर चल रहा है और इसकी देखरेख के लिए जो पुलिस बल तैनात किया गया है या दूसरे जो अन्य सिविलियंस यहाँ पर तैनात किए गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये सारे इक्विपमेंट होना बेहद ज़रूरी है? जिस हिसाब से हमारी कंपनी ने यहाँ पे काम करके ये सब बना के दिखाया है, तो उसके लिहाज से तो जहाँ ये क्लाइमेटिक कंडीशंस आती हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये प्रॉपर गियर किट जो हम प्रोवाइड करते थे, स्नो शूज़, हेलमेट्स या प्रॉपर लाइटनिंग लाइट फैसिलिटी, फूडिंग वगैरह, तो ये इनको मिलना भी ज़रूरी है, तभी इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में ये काम कर पाएंगे। मैं इस वक्त मनाली लेह नेशनल हाईवे पर हूँ और ये वाला जो रास्ता है वो रोहतांग दर्रे से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है, तो ऐसे में अब ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। हालांकि एक पुलिस चौकी जो है वो खोक्सर में तैनात की जाती थी लेकिन वहाँ से विड्रॉ कर दी गई है। अब जो महत्वपूर्ण मार्ग बन गया है वो ये अटल टनल का बन चुका है। यहाँ की मौजूदा तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, इस सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अटल टनल की सुरक्षा में जो है इस वक्त 24 घंटे 12 महीने पुलिस तैनाती की गई है और इस वक्त जो इस यहाँ पर तैनात की हुई पुलिस बल है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है ये यहाँ की बर्फबारी और यहाँ की कड़ाके की ठंड बन चुकी है। फैसिलिटी के नाम पर जो है वो इस तरीके का शेड जरूर यहाँ पर दे दिया गया है लेकिन कड़ाके की ठंड से बचने के लिए क्या कुछ फैसिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए, वो ग्राउंड जीरो पर अगर तस्वीरें देखें तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में सवालिया निशान ये बनता है कि जिस अटल टनल की सुरक्षा के लिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है उनकी सुरक्षा ऐसे कड़ाके की ठंड से कैसे की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ ASI हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, आपकी जो तैनाती है वो कब की गई थी, आपकी अटल टनल के किस छोर पर जो है वो आपकी तैनाती की गई है? हमारी तैनाती 1.5 महीना पहले साउथ पोर्टल पे की गई थी, तो अभी तो बर्फबारी चल रही है, इसमें हमें आने जाने की असुविधा हो रही है, तो हमें अब सोलंग नाला में ही ठहराया गया और सोलंग नाला से ही वहाँ से गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। तो ऐसे में 12 किलोमीटर का ट्रैवल और लगभग यहाँ पर जबरदस्त बर्फबारी होती है, ऐसे में आप अपनी सुरक्षा कैसे कर रहे हैं? हमारी सुरक्षा का तो साधन कोई नहीं है हमारे पास जी, ऐसे ही है, हम तो बर्फ ऐसे ही रह रहे हैं, हम कोई साधन। क्या आपने अपने सुपीरियर्स को या फिर प्रशासन को बताने की बताया नहीं कि आपको इस कंडीशन में यहाँ पर रहना पड़ रहा है, ऐसे में आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? टनल की सुरक्षा तो आप कर ही रहे। बाकी हमने मैंने तो रिटर्न दिया था साउथ पोर्टल की जो रिजर्व है जी। उसके बारे में मैंने SP कुल्लू को रिटर्न दिया, लिख के दिया कि हमें स्नो किट जो है वो इशू की जाए जी। बाकी हीटर बारे में दिया के लिए लिखा था मैंने, तो हीटर तो प्रोवाइड कर दिए गए हैं लेकिन लाइट ना होने की वजह से हमें उसमें दिक्कत आ रही है। बाकी कोयला वगैरह लकड़ी वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा ही है फिर। तो ऐसे में आप मतलब भगवान भरोसे हैं? भगवान भरोसे हैं, वैसे भी हम तो सर्दी की वजह से परेशानी है। बिल्कुल, तो आप ये हमारे पास नहीं है जी, हमें तो वैसे ही जूते से चल रहे हैं, इस जूते से तो हम बीमार हो जाएंगे। मेरी तो वैसे ही 58 साल एज है, 5 माह मेरे तो मेरे रिटायरमेंट करे। तो आपके जब जब आपको लंच के लिए शिफ्ट चेंज होती हैं तो क्या वापस आपको जाना पड़ता है?
शिफ्टिंग के लिए हम तो शिफ्ट जब चेंज टाइम शिफ्ट खत्म होती है हम तभी जाते हैं हम लंच के लिए जी। बाकी साधन हमारे पास कोई नहीं है। अब आप यहाँ पर जो है वो जनवरी फरवरी मार्च तक तैनात रहेंगे? अभी तक कोई आदेश इसका है नहीं हमारे पास कि हम कब तक रहेंगे, ऐसा ऐसा कोई हमारे पास ऐसा ऑर्डर कोई नहीं है अभी कोई है। हाँ जी जी। हालांकि आप ये यहाँ पर तैनात जो हैं अधिकारी पुलिस ऑफिसर हैं उनकी मुख जबानी आप समझ सकते हैं कि ये किस कंडीशन में किन हालातों में इस अटल टनल की सुरक्षा में तैनात हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की बनती है और ऐसे में सरकार द्वारा बेशक कई सारे बड़े वादे जरूर किए जा रहे हैं कि इनको पूरी तरीके से जो है वो सुविधाएं मुहैया जरूर करवा दी गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है कई सारे सवाल खड़े कर रही है। संदीप सिंह, जी मीडिया, अटल टनल, हिमाचल प्रदेश। चलिए वक्त हो चला एक शोर से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।